हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आज पेपर हुआ है कि एनवीएस एलडीसी का, उसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछे गए वो साथ ही के साथ जो कैसा पेपर था सारा डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले बता दूँ, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा लें, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलते रहे ऐसे ही। तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माउस इन्वेंटेशन, माउस की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों डगलस एंजेलबर्ट ने। एमटीएस में भी पूछा ये क्वेश्चन, और एक पूछा था 2017 यूएस ओपन टेनिस मैन सिंगल जो विनर है अभी 2017 की, वो कौन है? तो ये है राफेल नडाल। मैंने बोला था कल भी कि जिन दोस्तों ने करंट अफेयर नहीं रीड किया रीड कर लेना, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था करंट अफेयर में। और कल की तरह ही आज भी जो क्वेश्चन मैंने को मिले हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं करंट अफेयर के वही आए हैं। तो एक पूछा है, देखिए समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा, तो ये गुजरात की लगती है। एक पूछा है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस की है, तो ये यहाँ पे स्टेट पूछा था, तो स्टेट के हिसाब से बिहार होगा। वैसे अगर यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो दिल्ली इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन बिहार स्टेट पूछा था तो आंसर हो जाएगा बिहार। एक पूछा था, देखिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 कहाँ पे हुई है, यानी शॉर्ट में बोलते हैं इसको GCSS। ये भी मैंने करंट अफेयर में बताई है, जिन्होंने रीड किए उनको पता है ये हुई है दिल्ली में। ऑप्शन में बेंगलुरु भी था, तो दिल्ली इसका आंसर होगा। और 23 और 24 नवंबर 2017 को ये हुई है, जो PM द्वारा, जो मोदी जी है उनके द्वारा होस्ट की गई है। और एक यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, ABC किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं, जब ये उसके बाद में ये दोनों काम छोड़ देते थे, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल से क्वेश्चन था, आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चन। एक पूछा गया, देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 512x4 रैम मल्टी में जो रैम है उसमें इनपुट लाइन कितनी होती है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक गांधी जी आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया था, अब वो एक्चुअली पता नहीं चल पाया क्या आंदोलन था। एक पूछा गया था 74 यानी कि 74 का 24%, कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। एक पूछा गया कंप्यूटर का एक्सेल सीट प्रीवियस पेज ओपन बाय, जो एक्सेल सीट में प्रीवियस पेज को अगर हम ओपन करते तो कौन से कीज से ओपन होता है, कौन सी टेब से ओपन होता है, ये पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर के मैंने कल ही बता दिया था कल के वीडियो में कि कंप्यूटर में MS ऑफिस जो एक्सेल वगैरह है पावर पॉइंट इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं से क्वेश्चन में आए हैं इसमें। एक पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर है इनमें से, तो ऑप्शन दे रखे थे जैसे कि डॉक्स दे रखा था, MS डॉक्स, पावर पॉइंट वगैरह ऐसा दे रखे थे, तो उनमें से पूछा था इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये बताना था। एक पूछा था यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए लेवल की, तो देखिए मैथ का जो पेपर था वो इजी था, 4-5 क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो है इजी थे मैथ के। हिंदी बिल्कुल इजी था, तत्सब तद्भव जो भी संधि विच्छेद जो वही क्वेश्चन पूछे गए थे नॉर्मल। GK मॉडरेट था, देखिए GK मॉडरेट था। और जो कंप्यूटर है वो हार्ड था आज का, मैंने पहले बता दिया था कंप्यूटर थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि पावर पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन डिफ़िकल्टी बनते हैं जितने भी वर्ड वगैरह से बनते हैं, तो इसी से क्वेश्चन बैठे हैं सारे जो मैंने कल बता दिया था आपको। अगर इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश भी ईजी था, ठीक है। और करंट अफेयर तो मैंने बता ही दिया था, लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वही पूछा गया ज़्यादातर, तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर जो है आज का पूछा गया था। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों का नेक्स्ट पेपर है तो करंट अफेयर तो रीड कर ही लीजिएगा आप, और इस हिसाब से अपन जो है आप रीड कर लीजिए अपना जो भी प्रिपरेशन है नेक्स्ट उसके लिए। तो बस यही इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा था, जो भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और आगे की हर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी के लिए इतना ही।